नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDEX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले बिनौला खल से, यानी कॉटन सीड ऑयल केक से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक का अप्रैल कॉटन सीड ऑयल केक यानी बिनौला खल का मार्च वायदा 3211 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और बिनौला खल के मार्च वायदे में इस समय 1.25% की करेक्शन भी देखने को मिल रही है। देख रहे हैं कि आज बिनौला खल में करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या अब बिनौला खल में यहाँ से कीमतें और गिरेंगी, रेंज बाउंड रहेगा या फिर यहाँ से बाइंग इनिशिएट होगी, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। रविंद्र जी, सबसे पहले बात करें अगर बिनौला खल की, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3200 के ऊपर ही सस्टेन है, आज करेक्शन भी देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल में यहाँ से अभी ऐसे ही रेंज बाउंड देखने को मिलता रहेगा? देखिए, बिनौला खल की बात करें तो यहाँ से फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है, इसमें काउंटर जो है ये फर्दर सेलिंग साइड में ही मूव कर सकता है। कॉटन प्राइसेस में भी हमने देखा है कि प्राइसेस जो है हायर साइड से सेल ऑफ विटनेस कर रहे हैं जी। आज ऑलरेडी M6 कॉटन जो है लगभग 1.5% के आसपास डाउन साइड मूव विटनेस कर चुका है और वही सेम सेलिंग जो है ये हमें कोकुड में भी विटनेस करने मिल रही है। टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 3170 के आसपास के टेक्निकल लेवल्स अभी होल्ड कर रहे हैं और वहीं हायर साइड बात करें तो जब तक ये कमोडिटी 3270 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, चांसेस यही है कि फर्दर डाउन साइड ही देखने को मिलेगी जी। रविंद्र जी, इसे बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन में जैसा आपने बताया कि ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बनी है, हमने वैसा होता हुआ देखा है, आपको क्या लगता है प्रॉफिट बुकिंग कब कहां तक नीचे में जा सकती है? देखिए, ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो कॉटन के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं अभी भी, लेकिन प्राइसेस जो थे काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में चले गए थे और यहाँ से हायर लेवल से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। अभी कंटिन्यूएशन में 3600 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा है और कल इसने 3600 के आसपास का लो लगाया भी था प्रीवियस सेशन में फ्राइडे के राउंड, और चांसेस यही है कि अगर यहाँ से रिबाउंड करती है कमोडिटी तो फर्दर हायर साइड मूव करेगी, लेकिन अगर 3600 को ब्रेक करती है तो डाउन साइड में 36,000 तक स्किप कर सकती है जी। तो रविंद्र जी, जैसे अगर कॉटन नीचे में डाउन साइड 36,000 तक जाती है तो क्या वहां से फिर से अच्छे लेवल्स देखने को मिलेंगे जैसे हमने अभी अपसाइड में बनते हुए देखे थे? देखिए, वहां से टेक्निकल बाउंस बैक जरूर बन सकता है और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना बेहतर रहेगा उन लेवल से भी, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हायर साइड मूव कर चुके हैं। डाउन साइड से हमने लास्ट ईयर में देखा कि प्राइसेस जो थे ये 22,000 से लगभग 38,000 के आसपास हाई लग चुका है जी। और यहाँ से एक अच्छी करेक्शन जो है वो 34,000 तक की अगर करेक्शन आती है तो वहां से आप एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग शॉर्ट करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन उसके बाद में प्राइसेस जो है ये फर्दर हायर साइड मूव करेगी जी। रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर आप कैसा सीड की, तो कैसा सीड में भी आपने तेजी बताई थी कि कैसा सीड में तेजी देखने को मिल सकती है, हमने 7,100 तक कैसा सीड में लेवल आते हुए देख लिया है, अब इसके आगे क्या क्या यहाँ से कैसे में करेक्शन बनेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1% की करेक्शन आज कैसे में देखने को मिल रही है? देखिए, कैस्टर में इंपल्सिव रैली थी और वही विटनेस करने भी मिला है, प्राइसेस जो है ये 7,000 के ऊपर अभी भी सस्टेन कर रहे हैं, हल्की करेक्शन जरूर देखने को मिली है आज के सत्र में, लेकिन चांसेस यही है कि ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा इस कमोडिटी में और डिप पे बाय करना बेहतर रहेगा हमेशा जी। रविंद्र जी, मसालों में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि जीना जो है काफी अट्रैक्टिव लेवल पर है, 22,500 का हाई लगा चुका है, हल्दी में भी अभी रिसेंटली तेजी बनती नजर आई है, 10,200 के ऊपर है, 10,450 का हाई लगा चुकी है, धनिया थोड़ा सा डगमगाया है, आपको क्या लग रहा है क्या यहाँ से अभी प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा क्या? देखिए, मसाला पैक की बात करें तो इन लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल सकती है। जीरा में ऑलरेडी हमारी जब भी पहले बात हुई थी उस समय भी मैंने यही बोला था कि जीरा में फर्दर बाइंग देखने को मिलेगी और
अभी चांसेस यही है कि हायर लेवल से रेंज जो है काफी ज्यादा ओवरबॉट जोन में मूव कर रही है, RSI भी इस टाइम पे 89 के अराउंड बीट कर रहा है। जब तक ये RSI इसका 65 के अराउंड नहीं आता है तब तक चांसेस हैं कि जीरो में फर्दर बाइंग नहीं करनी चाहिए। और अभी जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल इसमें दिख रहे हैं ये 20800 तक के दिख रहे हैं, और यहाँ से 20800 लगभग 1200 पॉइंट की डाउनसाइड रैली देखने को मिल सकती है जीरा में। वहीं टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक अब आज के सत्र में भी स्ट्रांग ही खड़ा हुआ है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग अभी तक बनती हुई नहीं दिख रही है। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मेशन दिखने को मिल रही है वीकली चार्ट पे, चांसेस ये है कि 10500 के ऊपर सस्टेन कर सकती है कमोडिटी। और धनिया की बात करें तो धनिया में करेक्टिव पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, चांसेस है कि फर्दर सेल साइड में ये मूव कर सकती है कमोडिटी, और 10400 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं जी। रविंद्र जी बात करें अगर लॉन्ग टर्म की, तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए निचले स्तर पर मसाल में पोजीशन बनाना सही रहेगा? मसाला पैक में टर्मरिक में हम जरूर यहां से लॉन्ग टर्म बाइंग करके चल सकते हैं, लेकिन अगर एक अच्छी करेक्शन देखने को मिलती है तो उसके बाद ही हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे बाइंग करना चाहिए, अदरवाइज अभी फॉर द टाइमिंग छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेके बुक करके निकलना चाहिए जी। इसी के साथ बात करें रविंद्र जी यहां से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार कम देख रहे हैं, मार्च वायदा 11700 के ऊपर है, 0.25% की करेक्शन। ग्वार सीड का मार्च वायदा 6200 के ऊपर है, 0.25% की करेक्शन। रविंद्र जी देख रहे हैं कि अपसाइड में रेंज बाउंड होने के बाद यहां से ग्वार सीड में सेलिंग विटनेस हो रही है, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे अब आगे चल के ग्वार में अच्छी तेजी भी देखने को मिल पाएगी, जिस आप देख रहे हैं कि क्रूड के जो प्राइसेस हैं और जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है? देखिए क्रूड की डिमांड जो है ये एक तो कोविड हटने की वजह से नॉर्मलाइज हुई है, लेकिन उसके साथ में अगर हम देखें कि ओपेक की तरफ से जो इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है कि वो प्रोडक्शन इंक्रीज की बात कर रहे हैं, और साथ में ईरान को भी उन्होंने अपने पैक्ट से अलग रखा है जी, तो चांसेस यही है कि क्रूड में फर्दर डाउनसाइड देखने को मिलेगी। लेकिन रिसेंट टाइम में जो क्रूड में रैली देखने को मिली है ये मेजरली रशिया और यूक्रेन टेंशन की वजह से देखने को मिली है। अभी चांसेस है कि क्रूड की रैली भी थोड़ी बहुत कूल ऑफ होगी और वहीं से सेम प्राइसेस पे असर देखने को मिलेगा ग्वार सीड और ग्वार गम में भी। और अभी अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो ग्वार सीड में भी और ग्वार गम में दोनों में टेक्निकल शॉर्ट पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं, यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकती है। लगभग ग्वार सीड की बात करें तो 6000 के लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं, वहीं ग्वार गम की बात करें तो इसमें भी हमें डाउन साइड में 10200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, 11200 तक जी। रविंद्र जी एडिबल ऑयल्स की बात करें तो एडिबल ऑयल्स में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्राजील और अर्जेंटीना में जो सोयाबीन को लेकर जो अभी मौजूदा स्थिति है तो उसकी वजह से जो US सोयाबीन फ्यूचर है वो लगातार तेज ही है, सोया ऑयल भी देख रहे हैं विदेशों में तेज है, CPO की भी कीमतें ऊंची है, तो एडिबल ऑयल पैक में आपको क्या लगता है? देखिए एडिबल ऑयल पैक को फॉर द टाइमिंग सभी गाइडलाइंस की वजह से हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑल दो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स की बात करूं तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे जो मलेशियन पाम ऑयल है ये फर्दर बुलिश साइड ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि पैटर्न्स जो है ये काफी पॉजिटिव बनते हुए दिखते हैं। लेकिन ऑल दो रैली जो है ये ओवरबॉट जोन में है तो एक करेक्शन अगर देखने को मिल जाए तो वहां से बाइंग करना बेहतर रहेगा जी। रविंद्र जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉप पिक्स क्या देना चाहेंगे आप जिनमें पूरा सप्ताह अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए इसमें धनिया को शॉर्ट करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 11200 के ऊपर का, और डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं हम 10200 का। और दूसरा कॉल हमारा रहेगा मेंथा ऑयल से, मेंथा ऑयल में चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो इसमें लॉन्ग करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 945 बिलो, टारगेट करेंगे हायर साइड में 970 और 990 का जी। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजारों की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।